भोपाल में जिला कोर्ट ने प्लॉट काटकर 107 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले भू माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपयों का जुर्माना भी ठोका है। धोखेबाज शख्स पेशे से इंजीनियर है। उसने भोपाल में पंचवटी कॉलोनी बनाने का झांसा देकर 250 लोगों के साथ फ्रॉड किया। मामले की सुनवाई गुरुवार को भोपाल में एडीजे धर्मेंद्र टांडा की कोर्ट में हुई। 2 साल पहले क्राइम ब्रांच ने कोहेफिजा पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया था। मामले में जिला कोर्ट के सरकारी वकील साबिर सिद्दीकी ने बताया कि रमाकांत ने 1976 में उज्जैन के कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जिसके बाद सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना शुरू किया। 2002 और 3 के बीच में एयरपोर्ट पर पंचवटी फेज 1 पर काम किया और उसके बाद फेज 2 और फेज 3 की भी प्लॉटिंग शुरू की। किसानों से एग्रीमेंट कर लोगों से पैसे लिए। वहीं किसानों से मनमुटाव होने के चलते प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया और उसने ग्राहकों से ली गई रकम हड़प ली। इसके बाद 2010 में कोहेफिजा थाने में रमाकांत के खिलाफ धोखाधड़ी का पहला केस दर्ज किया गया था। वहीं इस थाने में अब तक उसके खिलाफ 22 केस दर्ज हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर और ईडी में रमाकांत के खिलाफ 38 केस दर्ज हैं। इसके साथ ही 100 से अधिक आवेदकों ने कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर कर रखा था। पुलिस से बचने के लिए रमाकांत ने हुलिया बदल लिया था। भोपाल में ठगी करने के बाद वो इंदौर के विजयनगर स्थित फ्लैट में राम कुमार व्यास बनकर रह रहा था। दाढ़ी और बाल बढ़ाकर उसने अपना हुलिया बदल रखा था। 2 साल पहले उसे पुलिस ने पकड़ा। इस बीच वो इंदौर से भोपाल जा रहा था। यही नहीं, फर्जी पहचान पत्र भी उसने अपना बनवा रखा था और उसका बेटा तब उस समय विदेश में था। रमाकांत ने डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी भी खोल रखी थी। उसने ठगी के पैसों को नमकीन के कारोबार में लगा दिया था। हालांकि पुलिस उसके पास से रकम तो बरामद नहीं कर सकी, पर ठगी के शिकार लोगों ने कई बार पुलिस अफसरों पर विजयवर्गीय से साठ गांठ करने का भी आरोप लगाया था। अलग अलग धाराओं में सजाएं इसमें हुई और सजाएं एक साथ चलेंगी, कुल मिला के इसमें आजीवन कारावास की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना हुआ है। इसमें क्या हुआ था, कोहेफिजा थाना अंतर्गत फेज 3 में इसने 250 लोगों से पंचवटी फेज 3 से प्लाट देने के नाम पे लोगों से पैसे ले लिए थे और उन लोगों से जो है एयरपोर्ट रोड पे कहलाता है उनको ना तो प्लाट दिए और उनके पैसे भी खा गए, पैसे भी वापस इसमें नहीं किए। ये कई करोड़ों रुपए का घोटाला था। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।